खबर महाराष्ट्र के अकोला जिले से है, जहां लगातार राज ठाकरे पर टिप्पणी करने के विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के विधायक अमोल मिटकरी पर सर्किट हाउस में मनसे के कार्यकर्ताओं द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ की गई। जानकारी के अनुसार यह विवाद तब बढ़ा जब अमोल मिटकरी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे की आलोचना की, जिससे कार्यकर्ता नाराज हो गए। वहीं इस हमले के बाद पुलिस ने सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल शिकायत दर्ज करने का सिलसिला जारी है। अकोला से संवाददाता शहीद इकबाल की रिपोर्ट। रोज जब मैं 2 बजे आता हूं तो लोगों से मिलने के लिए आता हूं। मेरे गांव के लोग कुछ थे जिनका कब्रिस्तान से लेके कोई मसला था, वो सुनने के लिए मैं यहां पे आया। और आने तक एक माइकालाल आगे नहीं आया, जो थे वो सब नपुंसकों की औलाद थी। और जब मैं अंदर बैठा तो उनको लगा कि गाड़ी में मैं बैठा हुआ होगा। उन्होंने जान लेने का एक अवसर देखा और बड़े बड़े पत्थर और कुंडिया उठा के मुझे मारने का एक प्रयास किया, लेकिन सब गोर गरीब लोगों की दुआ की वजह से मैं अकेला अंदर था, मैं बच गया। लेकिन इस तरीके की गुंडागर्दी अगर राज ठाकरे के लोग करते होंगे तो हमें भी उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, लेकिन हमारे पार्टी की वो लाइन नहीं। अगर मैं खुद बाहर आता था तो कायदा सुव्यवस्था का और सवाल खड़ा होता था। मैंने अकोला जिला SP से अभी बात कर ली, अभी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई शुरू है, जो कोई गुंडे होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी।